तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक अलग टाइप के माइलेज टेस्ट है, रॉयल इनफील्ड की मीटिया। और मेरे पास में आप लोगों को सभी को बताया क्यों मैंने अपन ने इंस्टाग्राम पे करा था, आप लोगों ने यही बोला था कि सबसे पहले आप लोग माइलेज टेस्ट करके बताओ मुझे, और सिटी में चलाना, हाईवे पे चलाना, जहाँ पे चलाना हो अलग अलग कोशिश करना, सब तरह चला के, मतलब जो भी लोगों ने मुझे बोला था इंस्टाग्राम पे, तो आज वही करने वाला हूँ। लाइक सबसे ज़्यादा जितने भी माइलेज वीडियोज़ हैं मैंने यूट्यूब पर एक बार देखे, तो मुझे यही मिले कि सबसे ज़्यादा कितना माइलेज निकाल सकते हैं, सब लोग यही टेस्ट करते हैं। आज अपन उल्टा करते हैं, मीटियोर 350 कितना लीस्ट माइलेज आपको दे देती है अगर आप टॉप स्पीड पे चलाते हो, बार बार उसको रैव करते हो, गियर्स चेंज करते हो, क्लच बार बार यूज करते हो, ब्रेक्स मारते हो, सडन एक्सलरेट डी एक्सलरेट करते हो बाइक को, तो इस कंडीशन में, टिपिकल कंडीशन में मिनिमम से मिनिमम माइलेज कितना देती है, आज वही टेस्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैंने फुल टैंक करवा लिया है, ट्रिप बी को जीरो कर दिया है, ट्रिप ए वो है जब मैंने बाइक को रॉयल एनफील्ड से लिया था, तो ऑलमोस्ट वो 44 किलोमीटर थी जब मैंने बाइक को जो है पेट्रोल फिल अप करवाया था। और अभी गुड़गांव में आधे घंटे से जाम में फंसा हुआ हूँ, यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद मैं बाइक को जो है रेड लाइन वगैरह करते हैं। बट जाम में भी मैंने पूरे टाइम बाइक को चालू रखा है ताकि जो है पता चल जाए मुझे भी कि गर्म कितनी हो रही है, हीटिंग इशू वगैरह के बारे में पता चले, वो सब तो मैं रिव्यू में आप लोगों को डेप्थ में बताऊंगा, तो उसके रिलेटेड भी आप नीचे क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो। अब चलते हैं और भगाते हैं बाइक को, और इसकी स्पीड टेस्ट वगैरह भी करके अभी इसी वीडियो में देख लेते हैं कि कितना टॉप जा रही है, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्यूल बर्न करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कर लेती है बाइक, मैनेज करती है। तो अभी जो है मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 80 की स्पीड जो है मैं मैनेज करके जा रहा हूँ इस पर। तो अब रोड्स जो है वो काफ़ी अच्छी आई है और ऑलमोस्ट बाइक जो है 100-110 की स्पीड पे चल रही है, कई बार 120 पे भी मैं चला रहा हूँ। 120 क्रॉस नहीं करूँगा बिकॉज वो इंडिया की लिमिट है एंड मैं रूल्स हमेशा फॉलो करता हूँ, आप लोगों को भी यही बोलता हूँ फॉलो करो। और 120 से ऊपर जा भी नहीं रही है बाइक, ऑलमोस्ट 120 के आसपास ही जा रही है, बट फिर भी अपन दिन में एक बार अलग से टेस्ट करेंगे किसी दूसरे टेरेन पे भी लेके जाके। तो 120, 110 के आसपास जो है अभी बाइक की स्पीड है और ऑलमोस्ट जितना रैव हो सकती है मैंने पूरा रैव करा हुआ है बाइक को। तो ये केस के ऊपर जो बाइक जितना माइलेज आपको निकाल के देगी उन सभी के बारे में पता चल जाएगा, टॉप स्पीड वगैरह कितनी क्या है। अभी जाता हूँ मैं घर, सोऊंगा, कल सुबह फिर वापस से इस बाइक को निकाल के मिलता हूँ आपसे। अब मैं इसको लेके आया हूँ सिटी में, सिटी में इसमें कितना माइलेज आपको मिलता है उन सभी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे बाद में वीडियो के एंडिंग में। बट अभी जो है देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं हूँ, बार बार एक्सलरेट करूँगा, बार बार ब्रेक्स लगाऊंगा, क्लच को यूज़ करूँगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड गियर में ज़्यादा यूज़ करूँगा बाइक को, तो इन सभी केसेस में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल बर्न करने की कोशिश करेगी बाइक। तो अब अपने को यही पता चल जाएगा कि हाँ यार मिनिमम इतना माइलेज तो इस बाइक से आप निकाल ही लेंगे। डेफिनेटली जितना माइलेज मैं निकालूंगा या जितना माइलेज ये बाइक देगी उससे तो आप ज़्यादा ही निकालेंगे, तो अपने को लीस्ट पता चल जाएगा, मैक्सिमम फिर ज़्यादा अगर अच्छा निकलेगा तो अपने को खुशी होगी। बट अगर सपोज अभी मैं वैसे ही कर देता कि बहुत ज़्यादा माइलेज निकाल के आपको दे देता, फिर उतना आपका नहीं निकलता तो आपको मज़ा नहीं आता, तो इसलिए आज थोड़ा सा मैंने उल्टा कर लिया। अब चलते हैं थोड़ा सा अगेन हाईवे की तरफ और वहाँ पर इसको और ज़्यादा जो है दौड़ा के देखते हैं। सिटी तो चला ली मैंने भाई 15-20 किलोमीटर। ओके गाइस, तो अभी मैं आ गया हूँ हाईवे पे एंड यहाँ पर जो है सड़क खाली मिलने वाली है, तो यहाँ पर अगेन फर्स्ट सेकेंड थर्ड गियर चैलेंज कर लेते हैं। फर्स्ट गियर ओके गजब, 40 क्रॉस, सेकंड गियर ये भी गो, कम ऑन, ऑलमोस्ट 80 की स्पीड तक आ गई थी सेकंड गियर के अंदर बाइक, तो जो सेकंड फर्स्ट और थर्ड गियर है ये काफ़ी अच्छा रेशो है और ऑलमोस्ट 110 की स्पीड जो है वो क्रॉस कर दी मैंने थर्ड गियर के अंदर, तो टॉप स्पीड डेफिनेटली और ज़्यादा हो सकती है और वो चीज़ें अपन जो है सब रिव्यू के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी जो है मैं कंप्लीट बाइक को कंप्लीटली रेव कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छी सड़क है और बाइक बहुत ही अच्छी तरीके से क्रूज कर रही है। वाइब्रेशंस की अगर बात करें तो डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड की जितनी भी बाइक्स मैंने पहले चलाई है सभी बाइक्स में इससे ज़्यादा ही वाइब्रेशंस हैं, इसमें वाइब्रेशंस कम हुए हैं और क्यों कम हुए हैं वो सभी चीज़ें आप रिव्यू के अंदर जानेंगे, और रिव्यू में आपको और क्या क्या जानना है वो नीचे आप कमेंट कर दीजिए ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा कि रॉयल एनफील्ड जो मीटियोर है वो कैसी है, आप लोगों के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको बाइक लेनी है और आपको कोई डाउट हो वो भी आपको पता चल जाएगा। अभी बाइक के अंदर ज़्यादा वाइब्रेशंस मुझे फील नहीं हो रहे हैं बट डेफिनेटली हैंडल बार पे थोड़े बहुत वाइब्रेशंस हैं। बाइक काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी प्लांटेड है, 80-100 की स्पीड पे आप चलते हो आपको पता नहीं चलता है कि इतनी भारी बाइक को आप लेके चल रहे हो, काफ़ी स्टेबल होती है, मैनेज करने में भी कोई परेशानी जो है वो मुझे नहीं आती है। अभी देख सकते हो 100 की स्पीड पे कंटिन्यूसली क्रूज़ कर रहा हूँ मैं और इस स्पीड पे आप भी कंटिन्यूसली क्रूज़ कर सकते हो, और नेविगेशन जो है वो भी प्रॉपर तरीके से इसके अंदर वर्क करता है, उसमें भी ज़्यादा डिले तो नहीं आता है। बट हाँ कई बार आप गलियों में जाते हो और फटाक से इधर उधर होके निकल जाते हो तो उसमें थोड़ा सा जो है इशू आपको आ सकता है, परेशानी आ सकती है, उसका भी लाइव डेमो जो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। बाकी अभी बाइक को थोड़ा सा मैंने लाइक
कम करी है स्पीड, ताकि मैं चाहता हूँ कि फिफ्थ गियर में स्पीड थोड़ी सी कम हो, फिर भी कम से क्या 80 के ऊपर तो चल ही रहे हैं अपन अभी फिर भी, और उसी टाइम पे एकदम से रेस दे दूंगा तो उसमें फिर और ज़्यादा फ्यूल जो है वो कंजर्व होगा। तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा टेस्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल बर्न कर पाऊँ, बिकॉज हमेशा ये रहता है कि मैक्सिमम माइलेज आउटपुट निकाल के बताएं कि हाँ यार ये बाइक कितना अच्छा माइलेज देती है, तो ये कितना लीस्ट माइलेज देती है वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अजीब है ये मेरे लिए। बिकॉज ये आइडिया भी आप लोगों ने ही मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में और इंस्टाग्राम पे जो Q&A मैंने रखा था उसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए थे माइलेज से रिलेटेड, तो ये चीज़ मैंने कोशिश करी है आप लोगों के लिए। तो अब जो है यहाँ से मैं वापस अगेन घर की तरफ जा रहा हूँ, मुझे थोड़े काम निपटाने, 2 घंटे बाद में फिर वापस से रात में बाइक को लेके निकलेंगे, 15-20 किलोमीटर और चलाएंगे, ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर चल गई है। सो गाइज अब मैं निकला हूँ रात में इस बाइक को चलाने के लिए, थोड़ा सा मैं रात का जो पोर्शन है थोड़ा सा वो भी मुझे शूट करना है, तो 15-20 किलोमीटर जाना ही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना 80 किलोमीटर हो गई थी तो 100 किलोमीटर चला ही लें, उसके बाद में ही पेट्रोल को फिलअप करवाएं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, और 100 किलोमीटर के अंदर कितना फ्यूल लेती है वो भी पता चल जाएगा, तो ये अगेन काफ़ी बढ़िया बात है। तो अब चलते हैं पेट्रोल पम्प डायरेक्ट, वहाँ मिलते हैं। ओके तो पेट्रोल पंप जो है वो सामने ही आ गया है, तो आ गए हैं पेट्रोल पंप पे और यहाँ पर देखते हैं बाइक कितनी चली है और कितना माइलेज जो है वो बाइक ने डिलीवर करा है, इससे ये पता चल जाएगा फाइनली कि मीटियोर जो है मिनिमम इतना माइलेज आपको टिपिकल कंडीशन में जब आप रेड लाइन कर रहे हो, काफ़ी ख़राब चला रहे हो, टॉप स्पीड पर चला रहे हो, तो आपको इतना माइलेज तो दे ही देगी। तो अगेन ये काफ़ी अच्छा जो है टेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और आगे भी किसी बाइक का आपको देखना है तो मुझे बता दीजिए। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, चलो मैं आगे आपको दिखाता हूँ मेरे को की लगा के और फिर पेट्रोल फिलअप करवाना है, कितना पेट्रोल जाता है इसमें ये देखते हैं पहले, और फिर देखेंगे कि कितना जो गाड़ी है चली, ऑलमोस्ट 106 किलोमीटर के आसपास चल गई ये गाड़ी, तो ज़ीरो देख लिया है, ज़ीरो हमेशा देखने का, मुझे लग रहा है 3 लीटर से ऊपर आ सकता है शायद, 350 cc की बाइक है और इतनी ख़राब चलाने पे भी अगर 30+ माइलेज दे देगी तो मुझे तो काफ़ी अच्छा ही फील होगा। ओके टंकी फुल हो गई है, ऑलमोस्ट 280 के आसपास ही पेट्रोल आया है, ये देख सकते हो 280 के आसपास पेट्रोल आया है और 3.16 लीटर आ गया है पेट्रोल, और बाइक चली है लगभग 106 किलोमीटर के आसपास। इस हिसाब से आप लोगों को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो माइलेज है वो बाइक का आया है 33 किलोमीटर के आसपास, तो 33 किलोमीटर का माइलेज दिया है बाइक ने, जो कि काफ़ी अच्छा माइलेज है। अगर आप लोगों को ये माइलेज टेस्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दो। मैं कार्स बाइक स्कूटर्स की न्यूज़ रिव्यूज़ कंपेरिजन वाली वीडियो रेगुलर अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। अगली वीडियो मीडियोर से रिलेटेड और कुछ देखनी है रिव्यू के अलावा तो मुझे आप नीचे कमेंट करके अगेन ये भी बता सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और बाकी और कोई बाइक का अगर आपको ऐसा ही माइलेज टेस्ट देखना है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं कल ऐसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हाँ फ्रेंड्स ड्राइव सेफ।